बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं शलजम पालक, उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ऑयल मैंने डाल दिया तकरीबन 100 ml के करीब। अब हम इसमें डालते हैं अनियन। प्याज को 2-3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, उसके बाद हम इसमें स्पाइस डालेंगे। स्पाइस ये देखिए, मैंने पालक को भी काट के वॉश कर लिया और साथ में मिलके अच्छी तरह काट के पानी में भिगो लिया। अब हम ऑनियन फ्राई करें 2-3 मिनट के लिए, इसको फ्राई करेंगे, उसके बाद इसमें मसाले डालेंगे, नमक मिर्च वगैरह। प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो गए हैं, अब हम इसमें ऐड करते हैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट। हम डालते हैं हम स्पाइस, 1.5 teaspoon रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 teaspoon ये टर्मिक पाउडर यानी कि हल्दी, और 1.5 teaspoon साल्ट। थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, आंच थोड़ी सी हमने तेज कर दी, इसको हम अच्छी तरह भूनेंगे। साथ ही हम ऐड कर देते हैं टमाटर, स्मॉल टमाटर दिया हमने यानी कि एक छोटा सा, हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे। अब हम मसाले को अच्छी तरह भूनेंगे, मैश करेंगे प्याज वगैरह को। मसाला हमारा भून गया, अब हम इसमें ऐड करते हैं शलजम, जैसे हमने पील ऑफ करके काट के रखे। इसको हम लाएंगे, मिक्स करते हैं। अब हम इसमें पानी, 1 glass पानी, 1 to 1.5 glass पानी डाल के ना कुकर कर देते हैं 5-10 मिनट के लिए। आँच हमारी मीडियम रहेगी, मिलते हैं 10 मिनट के बाद। अब हम इसको देखते हैं, लेकिन अभी हमारे शलजम गले नहीं है, फिर हम इसको पालक को थोड़ा सा बॉयल वाटर में 1 लोग बॉयल पानी लिए थे, फिर थोड़ी सी और कम थी तो मैंने थोड़ी सी डाल दी। चलो हम इसको कर देते हैं, चले 5-10 मिनट। चले हम देखते हैं, शलजम को अच्छी तरह इसके साथ मिक्स करेंगे ताकि वो मैश हो जाए अच्छी तरह। ये जो पानी है उसको हम फिर ड्राई करेंगे, शुगर ऐड करेंगे 1 tablespoon। रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे 1/2 teaspoon, उसके बाद मिक्स करेंगे जीरा पाउडर 1 teaspoon,